जो एटीट्यूड है ना जिंदगी में वो थोड़ा सा ऊपर करो, गेम थोड़ा ऊपर का खेलना पड़ेगा आपको। वैकेंसी कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी ये मैटर नहीं करता है, मुझे नौकरी लेनी है ये मैटर करता है, समझे कि नहीं। मान ले वैकेंसी 5,000 आती है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आने को तो हम कहेंगे कि अभी तो वो कुछ नया वो पी जो पोस्ट ऑफिस वाली जॉब ऐड हुई, 10,000 से ऊपर वैकेंसी आनी है। बट क्वेश्चन इस बात का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हम उन चीजों पर कितना टाइम बर्बाद करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। है तुम्हारे कंट्रोल में वैकेंसीज नहीं तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लगाओ ही मत उस पर दिमाग। मुझे नौकरी चाहिए तो हम इस तरह से घिस घिस के नौकरी नहीं लेंगे, हम तो बढ़िया रैंक लाएंगे, इज्जत से सिलेक्शन लेंगे, भोकाल से सिलेक्शन लेंगे। वाला एटीट्यूड रखिए तब जाके सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में यहां का रोल बहुत ज्यादा है बेटा, दिमाग का, जिसको लोग कम आंकते हैं। पढ़ने को बहुत लोग पढ़ते हैं, आपको बताऊं, बहुत लोग बहुत तैयारी करते हैं, बहुत लोग बहुत सवाल बनाते हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ रट रखा है, यहां से हार जाते हैं। सोच छोटी होती है, ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि यहां छोटी सोच से काम चलना ही नहीं है। आप ऐसा इसको समझो, रियलिटी क्या है, 10 लाख लोग के आसपास एग्जाम देते हैं, लास्ट ईयर 8 लाख थे लगभग, 7 लाख 8 लाख के बीच में एसएससी सीजीएल की बात, मान 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं रफली, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, 10,000 मान लो तुम, तो 9,90,000 लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। ये बहुत फियर्स कॉम्पिटिशन है, लेट्स नो द रियलिटी ऑफ इट, डरने की बात नहीं है, सच्चाई जानने की बात है। तो यहां जब एटीट्यूड ही खराब होगा तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा। यहां चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इज वेरी हाई एंड चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज वेरी लो, तो वहां छोटे एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। और मैं ये भी बता देता हूं कि जिस जो बंदा सोचता है कि मेरी आखिरी रैंक आ जाएगी, है ना, मैं लास्ट रैंक ला के सिलेक्शन ले लूंगा, क्योंकि वैकेंसी अगर 8,000 है तो मैं अंदर होऊंगा, और अगर वैकेंसी 5,000 होगी तो मैं आउट हो जाऊंगा, ठीक है। इस एटीट्यूड से आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, नहीं होगा। मेंटली बहुत टफ बनना पड़ेगा आपको, मेंटली आपको बहुत ज्यादा टफ बनना पड़ेगा, और हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, समझे। बहुत लोग तैयारी करते हैं, बार बार बोलता हूं, बहुत लोगों की बहुत तैयारी होती है, बहुत आता है उनको, एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड विल टेक यू नोवेयर, ठीक है। मेहनत बहुत करते हैं वो, पढ़ते बहुत हैं, खूब टाइम लगाते हैं, खूब शेड्यूल बनाते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, एटीट्यूड सही नहीं है, एटीट्यूड सुधारिए। जब तक तुम्हारे अंदर विनर का एटीट्यूड नहीं होगा ना, जीतने का एटीट्यूड नहीं होगा, तब तक जीत मिलेगी नहीं, आता ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। भटकोगे ज्यादा तुम, काम करोगे कम।